प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्रों का फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है। महाराष्ट्र में भी जन औषधि केंद्रों की शुरुआत के बाद लोग सस्ती दवाएं खरीद रहे हैं। इकबाल शेख मुंबई में जन औषधि स्टोर चला रहे हैं। इस केंद्र को लेकर उनकी क्या राय है, आप खुद सुनिए। हमको इस योजना की जानकारी ऑनलाइन मिली थी और जैसा कि मेरे डायरेक्टर डॉक्टर मिलिंद वासुदेव शिरोडकर सर उन्होंने ये जानकारी मुझ तक पहुँचाई। ये योजना को लेकर मैं केंद्र सरकार से यही अपील करूंगा कि जो भी काम केंद्र सरकार ने किया ये बहुत अच्छा काम किया कि जो गरीब लोगों के लिए इतना महंगा मेडिसिन जो गरीब नहीं खरीद पाएगा वो केंद्र सरकार को इसके लिए जितना भी उनका धन्यवाद किया जाए, जितना भी उनको अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। कम कीमत पर बेहतर दवाओं के बारे में जैसे जैसे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी, लोग इस औषधि केंद्र का रुख करने लगे। आज कई लोग इस केंद्र से अपने इलाज के लिए दवाएं ले जा रहे हैं। जब अपना दवाई खत्म होने में आई तो एक 10 दिन 15 दिन पहले इधर आ जाते हैं कि भाई है या नहीं है, तो खरीद लेते हैं, नहीं तो फिर से आते ही है। ज्या वेळेस जेनरिक औषधामध्ये चौकशी केल्यानंतर समजलं की ज्या औषधाची किंमत 10 रुपये मेडिकल स्टोअरमध्ये आहे, जे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करतात, त्याची जेनरिकमध्ये साधारण 100 रुपयाची किंमत असलेली औषधं जेनरिकमध्ये आम्हाला साधारण 15-20 रुपयामध्ये मिळतं। काही नाही, मोदी पंतप्रधान मोदींनी जो उपक्रम राबवलेला आहे त्याचा जनतेने योग्य तो फायदा घ्यावा, जेणेकरून माणसांचे पैसे वाचतील आणि त्यांना योग्य ती मेडिकल सुविधा मिळेल। गरीब लोगों को सस्ती दवाएं देने की इस योजना का लाभ तो स्थानीय लोगों को मिल रहा है, वहीं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र रोजगार का जरिया भी बन गए हैं। जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, जो हमारे अच्छे अच्छे कस्टमर जो लंदन में जाते हैं, यूएस में जाते हैं, वो यहाँ से 6-6 महीने का मेडिसिन लेके जाते हैं। और मैं ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इसके कारण मुझे केंद्र सरकार से जुड़ने और लोगों से जुड़ने का एक अच्छा और अनोखा अनुभव मिला है। यहाँ पे काम करने से मुझे लोगों के लिए एक प्रकार की सेवा करने का भी अवसर मिल गया है। सरकार की इस योजना के बेहतर नतीजे देखे जा रहे हैं, यही वजह है कि लोग सरकार के काम की तारीफ कर रहे हैं। आप मार्केट में कैल्शियम लेने आते हो तो आपको कॉस्ट गिरता है 10-15 कैप्सूल्स का कॉस्ट गिरेगा आपको लगभग 70-80 रुपीज़, बट यहाँ से आप लेते हो अगर जन औषधि का तो आपको ये 4 रुपये में गिरता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना वास्तविकता में जरूरतमंद लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है और लोगों के रिस्पॉन्स से इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।